इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल एक वो यही था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो जी अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर। जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा। आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, भारत आप पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत ने तो बिल्कुल 12 नंबर है। और अगर आपको रेलेवेंट रहना, आपको भारत को यूएनएससी का मेंबर बनाना और परमानेंट वीटो देना है, या सबसे वीटो ले लो, आप वीटो नहीं है या सबसे ले लो, नहीं तो परमानेंट वीटो दे दो, नहीं तो यूएनएससी विल बिकम यूजलेस एंड रिडंडेंट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया रिएक्ट्स पे। तो आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे हिंदुस्तानी शेरनी याना मीर का एक जबरदस्त रिएक्शन G20 को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि G20 का वक्त अब पास आ गया है, जो कि कश्मीर में होने वाली है, उसी को लेकर पूरे विश्व में खलबली है। पाकिस्तान से लेके चाइना एकदम बौखलाया हुआ है, पर अब सही बात कहें तो भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता चाइना इसमें आता है या नहीं आता। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसमें आप जानेंगे याना मीर के व्यूज और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, इस बार जो G20 की समिट है, उसके कोर मुद्दे कौन से हैं? हाँ, कश्मीर में ज्यादातर तो टूरिज्म में ही फोकस होगा, लेकिन कोर मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। मुद्दे हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट, बहुत ऐसी स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो आप सोचिए, जिस कंट्री ने पूरी दुनिया को COVID-19 जैसा वायरस दिया, वो कंट्री क्या ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है? वो तो लायक ही नहीं है उस ग्रीन डेवलपमेंट की बात करने की। जो कंट्री कम्युनिस्ट है, जहां पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो कंट्री क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी? और रही बात बहुत सारे मुस्लिम मेंबर नेशंस जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छा, तो अब चाइना तो अपने मुस्लिम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इज्जत ही नहीं देता है, तो वो क्या मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात क्या करेगी ऐसी कंट्री? वैसे भी आकर करेगी क्या? और ठीक है दूसरा, चाइना पता है कभी बोलते हैं, नहीं आप मेरी बात सुनी, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। ये साउंडिंग डिल्यूजनल, नॉर्मल नहीं लगता कोई कंट्री जब इस तरह से बार बार बोलती है, इट डजंट लुक नॉर्मल। और आपने सिर्फ चाइना की बात की, वैसे दूसरी भी कंट्रीज है। खैर, आप मुझे सवाल पूछेंगे, आपने सिर्फ चाइना की बात की तो मैंने चाइना का आपको बता दिया। ठीक जी है। नहीं, मैंने चाइना से स्टार्ट किया, आपने बोला बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आ रहे हैं। सऊदीया, जिसके बारे में कहा ये जा रहा था कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अभी रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लेके भी खबर ये आ रही है कि वो अपना G20 को नहीं अटेंड करेंगे। जो इंडिया में शायद उनके डिप्लोमेट्स हैं वही बस जाएंगे G20 में कश्मीर में, और अदरवाइज वो अटेंड नहीं करेंगे। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता? इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि टूरिज्म वहां पर बूम हो। और सऊदी अरेबिया को अच्छे से पता है कि इंडियंस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अगर उन्होंने ये किया, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेवलर्स ऑन देयर एयरलाइंस आर इंडियंस, और उनकी लेबर फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन है। तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रख के सऊदी को फर्क पड़ सकता है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, देखिए, चाइना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है, दैट्स द रियल रीजन। ठीक है ना, डेफिनेटली चाहे एप्पल स्टोर इंडिया में खुल जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया को मेक इन इंडिया जो है ट्रेन सप्लाई करना, या ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का पूरा बूम जो चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो अब इंडिया से खरीदने लगी हैं, ठीक है, बनस्बत चाइना के। तो इसकी वजह से चाइना इंडिया को इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर की वजह से, ठीक इंडिया है। के एग्जिस्टेंस की वजह से। तो चाइना तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरा ही इंडिया डिस्प्यूटेड लगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। या ना रही मैंने बात इस्लामिक कंट्रीज की, आपने बात की, तो रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, आप दो इस्लामिक कंट्रीज का नाम बार बार ले रहे हो जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चार जो आ रहे हैं उनका तो नाम नहीं लेते। ओमान आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और यूएई आ रहा है,
मेरे ख्याल से और दो तीन हैं जो विचार मुस्लिम कंट्रीज जो आ रहे हैं, उनका तो अपना बांग्लादेश आ रहा है, लेकिन आप उनका नाम ले रहे हो जो नहीं आना चाहते। टर्की, देखिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है, हालांकि प्रेसिडेंट सीसी जो है वो मोदी जी से मिले और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट से टेररिज्म खत्म हो जाए, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इजिप्ट में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है और इवन टर्की में इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर चलता है प्रोपेगेंडा करने की वजह से, और प्रोपेगेंडा से क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डोनेशन आता है, चाहे वो फलस्तीन के नाम पे आए, ज़कात जो आता है, चाहे वो कश्मीर जिहाद के नाम पे आए। तो अब कश्मीर जिहाद ही नहीं रहेगा तो उनके पॉकेट में धक्का लगेगा भाई, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है, जो चंदा उनको मिलता है जिससे उनका घर चलता है, वो कुछ काम तो करते नहीं आते जो ये लोग हैं, जो इजिप्शियन, इजिप्ट इजिप्ट तो अड्डा है ना मुस्लिम ब्रदरहुड का, तो आप समझ सकते हो ये सारे लोग अपना पैसा ज़कात पे चलाते हैं अपना घर, जो फलस्तीन और कश्मीर जिहाद के नाम पे आते, तो ऑब्वियसली उनको ये तकलीफ होगी, और जो वहां की जो हुक्मरान है वो अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। और सऊदी जी अरेबिया जो है वो एक, वो कहते हैं ना, धर्म युद्ध में फंसा हुआ है, हालांकि वो चाहता है कि चाहे इंडिया हो या इसराइल रिलेशन अच्छे हो, जो अभी जो MBS हैं जो उनके रूलर हैं, उनके किंग, ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, ही इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल रूलर, लेकिन कभी कभी वो होता है ना मौलवी मुतवे लोगों के बीच में दब जाते हैं, जैसे आपका पाकिस्तान भी दबा हुआ है अभी तक, तो ये चीजें होती है। सो वी अंडरस्टैंड दैट जब आप मौलवी मुतवों को इतना पावर देंगे तो आप प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो इट्स अ फैक्ट। आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, भारत आप पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत ने तो आप खास तौर पर बिल्कुल भारत मेंबर है, और अगर आपको रेलेवेंट रहना है आपको भारत को यूएनएससी का मेंबर बनाना है और परमानेंट वीटो देना है, या सबसे वीटो ले लो, आप वीटो नहीं है या सबसे ले लो, नहीं तो परमानेंट वीटो दे दो, नहीं तो यूएनएससी विल बिकम यूजलेस एंड रिडंडेंट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि याना मीर का रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।